महाराष्ट्र में चुनाव से पहले महाराष्ट्र के एनडीए सांसदों की चिंता बढ़ रही है। महाराष्ट्र के एनडीए के 10 सांसद इस वक्त रेल मंत्री सदानंद गौड़ा से मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात करने वालों में 10 सांसदों में शिवसेना, आरपीआई, बीजेपी के सांसद शामिल हैं और इन सांसदों की मांग है कि मुंबई लोकल की हालत सुधारी जाए, मुंबई लोकल का मंथली पास सस्ता हो। किरीट सुमैया इस दल में शामिल हैं, रामदास अठावले हैं और ये तमाम सांसद रेल मंत्री सदानंद गौड़ा से मुंबई लोकल की स्थिति, मुंबई लोकल के फेरे बढ़ाने, मुंबई लोकल में सुविधाएं बढ़ाने, मुंबई लोकल में पास सस्ता करने की मांग को लेकर मिल रहे हैं। आगामी रेल बजट के मद्देनज़र इस मुलाकात में वो अपनी बातें रखना चाहते हैं। ये भी कहना है बीजेपी का कि यूपीए सरकार ने मुंबई लोकल के लिए कुछ नहीं किया है अपने 10 साल के कार्यकाल में और उसकी हालत लगातार ख़राब हो रही है, तो मुंबई लोकल की स्थिति सुधारने के लिए अपने सुझाव देने यहाँ पर ये सांसद आए हैं। 10 सांसदों का ये मानना है कि वो सिर्फ किराए की बात करने के लिए नहीं आए हैं, किराया एक बिंदु हो सकता है लेकिन अगले 3 सालों में एक विस्तृत बड़ी योजना लेकर जिससे मुंबई लोकल को फ़ायदा हो, मुंबई लोकल में सुविधाएं बढ़ाई जाएं, मुंबई लोकल किस तरह से मुंबई वासियों के लिए और फ़ायदेमंद हो, क्योंकि मुंबई लोकल मुंबई की जीवन रेखा कहलाती है।